हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मुझे मालूम है पूरी दुनिया एक बहुत बड़े संकट से जूझ रही है, बट संकट की ये घड़ी अभी चली जाएगी। एक अंधेरे के बाद एक रोशनी जरूर आएगी। एक संकट की जो घड़ी होती है ना, तभी हमें पेशेंस दिखाना होता है। और पेशेंस क्या दिखाना है, तो स्टे एट होम एंड कीप योर सेल्फ एंड योर फैमिली सेफ। इससे क्या होगा, हम इस तरह से अपनी सोसाइटी को भी सेफ रखेंगे और ये संकट जल्द से जल्द खत्म हो। इसके लिए पूरी दुनिया भर में सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हम भी जरूर प्रार्थना करेंगे कि ये संकट जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और जो दुनिया रुक सी गई है वो चल पड़े। लेकिन घर पर बैठकर भी हम कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहेंगे। इसके लिए हमने जो सिलसिला स्टार्ट किया है कि प्रीवियस सीईटी के जो क्वेश्चन पेपर से वो सॉल्व करने का, वो हम जारी रखेंगे। तो आज की इस सेशन में 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से प्रॉब्लम नंबर 25 से लेकर प्रॉब्लम नंबर 30 तक के क्वेश्चन हम देखने वाले। तो लेटेस्ट स्टार्ट विद द 25 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके साथ हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 25 में इंटीग्रेशन दिखाया गया है 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 इंटू x स्क्वायर प्लस 9 विद रिस्पेक्ट टू dx, और उसका आंसर भी दिया है उन्होंने a इंटू टैन इनवर्स ऑफ x बाय 2 प्लस b इंटू टैन इनवर्स ऑफ x बाय 3 प्लस c। ये उन्होंने दिया हुआ आंसर है। और हमें क्या करना है, a माइनस b की वैल्यू निकालनी है। चार ऑप्शन हमारे सामने है। तो अभी क्या करता हूं, मैं इस प्रॉब्लम को लिख लेता हूं 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 into x square plus 9, okay, with respect to dx। अभी ये problem में जो दिखाई दे रहा है denominator का having two quadratic polynomials, तो इसको solve करने के लिए हमें क्या use करना पड़ेगा, integration by partial fraction। लेकिन partial fraction करने के लिए कितनी लंबी method use करनी पड़ती है आपको पता है। तो इस ऐसे वक्त में एक ही चीज करता हूँ, अगर ऊपर 1 है constant है तो मैं यहाँ पर simply एक इस तरह से इसको लिख लेता हूं 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 9। अगर इस तरह के दो टर्म्स होंगी तो इसको सबट्रैक्शन माइनस साइन देकर इस तरह से लिख लिया मैंने। अभी अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, x स्क्वायर प्लस 9 इधर आएगा, माइनस साइन इधर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x स्क्वायर माइनस 4 होगा। तो ऊपर कौन कैंसिल होगा, x स्क्वायर कैंसिल होगा, ऊपर रहेगा 9 माइनस 4 यानी कि 5। 5 को अगर कैंसिल करना है तो इसके आगे 1 अपॉन 5 लिखना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू dx। अब इससे क्या हो जाएगा बच्चों, ये अल्टीमेटली क्या हुआ है, ये पार्शियल फ्रैक्शन हुआ है। 1 अपॉन 5 बाहर आ जाएगा, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सिंपलीफाई करेंगे तो यही फिर से हमें वापस प्रॉब्लम मिल जाएगा। तो अभी कैलकुलेशन सिंपल हो गया मेरे लिए, 1 अपॉन 5 आउटसाइड है। अभी इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, क्या आपको याद है ये वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx का फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। ओके, ये फॉर्मूला था स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल में हमने देखा हुआ। तो अभी बोलो 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4a, 4 यानी कि 2 का स्क्वायर होता है। तो यहां पर अगर आंसर डायरेक्टली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन 2 बाहर लिखेंगे, फिर tan इनवर्स ऑफ क्या होगा बच्चों, x अपॉन 2, बीच में साइन आएगा माइनस। ये 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 9 है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो ये 1 अपॉन 3 आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ क्या बनेगा, x अपॉन 9 की जगह 3 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, अंदर चला जाएगा तो 1/10 tan इनवर्स ऑफ बनेगा x बाय 2 माइनस, ये अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 15 tan इनवर्स ऑफ ये बनेगा x अपॉन 3 प्लस क्या होगा c। ओके, इस तरह से ये कैलकुलेशन आ गया इसका। ओके, लेकिन ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उन्होंने, ये इसके साथ कंपेयर करें तो tan इनवर्स ऑफ x बाय 2 का कोएफिशिएंट यहां पर a, यहां पर a की जगह 1/10 है, तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई है 1/10, और tan इनवर्स ऑफ x बाय 3 का कोएफिशिएंट यहां पर b है, यहां पर -1/15 है, तो b की वैल्यू आ गई मेरे पास -1/15। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है a माइनस b, तो जस्ट डू द सबट्रैक्शन ऑफ दिस टू कांस्टेंट्स। तो सबट्रैक्शन यहां पर मैं करता हूं a माइनस b, यानी क्या हो सकता है बच्चों, a माइनस b इज इक्वल टू 1/10 लिखा है मैंने, माइनस साइन लिख दिया, b की जगह -1/15 ब्रैकेट में लिखूंगा मैं, तो माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस 1/15 बनेगा,
1/10 प्लस 1/15, ये आपके लिए थोड़ा कैलकुलेशन बता रहा हूँ, अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 15 प्लस 10 डिवाइड बाय 150 हो जाएगा। क्यों? 15 इंटू 115, 10 इंटू 110 डिवाइड बाय 15 इंटू 10 150, तो ऊपर होगा 25 डिवाइड बाय होगा 150। अभी 25 से 150 को डिवीजन जा सकता है क्या? डेफिनेटली जा सकता है। 25 6 150, सो दिस इज इक्वल टू 1/6, तो ये आंसर बन गया 1/6। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द प्रॉब्लम नंबर 25। ओके, कम से कम कैलकुलेशन में अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो आप तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि टाइम सेविंग ट्रिक्स यूज करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर सब कैलकुलेशन करते बैठेंगे तो बहुत समय बीत जाएगा एक ही प्रॉब्लम के लिए। हमारे पास 90 मिनट्स का समय होता है MHT-CET के लिए, ओके, और 50 ऑब्जेक्टिव होती है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, इसके साथ आपको आगे बढ़ना होगा। अभी प्रॉब्लम नंबर 26 की तरफ देखते हैं कि क्या दिया हुआ है उन्होंने। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, यहाँ पर मॉड एक्स बोला है, तो मैं एक काम करता हूँ, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, ये एक्स स्क्वायर को मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूं मैं, क्योंकि उसकी वजह से कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, लेकिन ये इक्वेशन होमोजीनियस लगेगा, इसको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो सिर्फ मैंने क्या किया है, एक्स स्क्वायर की जगह मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर का मॉड ऑफ एक्स उसका स्क्वायर लिखा है। अभी इसको सॉल्व करने के लिए अगर कोई भी मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होता है तो डायरेक्टली हम जाते हैं लास्ट टर्म की तरफ माइनस 6 के, ऐसे फैक्टर्स बताओ कि एडिशन सब्ट्रैक्शन 5 आना चाहिए। वैसे 3, 2, 6 भी फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन 3 एंड 2 को सेम साइन देना पड़ेगा, माइनस है मल्टीप्लीकेशन नहीं आएगा फिर। तो यहाँ पर फैक्टर्स कौन से सही है, 6 एंड 1। बड़े नंबर को मिडल नंबर का साइन देना होता है तो प्लस 6, और छोटे नंबर को अभी कौन सा साइन दे दू, 6 में से 1 जाना चाहिए तो 1 को माइनस का साइन देना पड़ेगा। अभी जब भी कोई भी झंडा एक्स स्क्वायर 1 होता है तो डायरेक्टली आंसर आएगा मॉड एक्स इक्वल टू, यहाँ पर एक्स इक्वल टू नहीं लिख रहा हूं मैं, मॉड एक्स इक्वल टू लिख रहा हूँ, इक्वल टू प्लस 6 का अपोजिट आएगा माइनस 6, दूसरा मॉड एक्स इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 1 का अपोजिट आएगा प्लस 1 आफ्टर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी एक चीज आपको पता है, मॉड में कौन सी भी वैल्यू डालने के बाद आंसर निगेटिव आता है क्या? नहीं, मॉड इसीलिए होता है कि उसमें कौन सी भी वैल्यू डाल दो वो बाहर आकर पॉजिटिव आंसर देता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस 6 पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल क्या है, मॉड एक्स इक्वल टू 1, मॉड एक्स इक्वल टू 1 का मीनिंग होता है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 ये आपका हो गया आंसर। देन द वैल्यू ऑफ हमें अल्फा एंड बीटा आर द रूट से, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 है, यानी अल्फा इक्वल टू 1 ले लिया मैंने, और बीटा की वैल्यू क्या बोल सकता हूं मैं, -1 1 एंड -1, इस तरह से हमें यूज करना है। ओके, अभी टैन मॉड ऑफ क्या निकालना है मुझे, मॉड ऑफ टैन इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस टैन इनवर्स ऑफ बीटा निकालना है, तो अभी क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो यहां पर मैं टैन इनवर्स ऑफ अल्फा की जगह 1 माइनस टैन इनवर्स ऑफ बीटा की जगह में माइनस 1 डाल देता हूं। आपको याद है टैन इनवर्स ऑफ 1 वैसे ही रहेगा, ये माइनस है, माइनस की जगह प्लस क्यों बनेगा बोलो, क्योंकि टैन इनवर्स ऑफ माइनस 1 क्या होता है, माइनस ऑफ टैन इनवर्स ऑफ 1, माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस के साथ माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो ये प्लस बन गया टैन इनवर्स ऑफ 1। ओके, टैन इनवर्स ऑफ 1 प्लस टैन इनवर्स ऑफ 1 कितना हो सकता है, 2 टैन इनवर्स ऑफ 1, तो 2 इंटू अभी बोलो tan इनवर्स ऑफ 1, tan का ऐसा कौन सा एंगल है जिसका आंसर 1 आता है, tan पाई बाय 4, तो tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू हो सकती है पाई बाय 4, तो 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 2 4, सो दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो ये हो गया हमारे लिए नेक्स्ट लास्ट आंसर पाई बाय 2। तो अभी यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है, फिर से ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आप देख सकते हो। ओके, तो ये प्रॉब्लम 25, 26 हो गया, अभी 27 की तरफ जाते हैं। 27 नंबर के प्रॉब्लम को देखो, आपको पता चल जाएगा ये प्रॉब्लम कौन सी टॉपिक में से है, dy by dx निकालना है, तो ये प्रॉब्लम डेफिनेटली डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन इस टॉपिक में से। अभी x इक्वल टू a इन ब्रैकेट t माइनस 1 बाय t दिया है, एंड y इक्वल टू कितना दिया है, a इन ब्रैकेट t प्लस 1 अपॉन t, ठीक है, वेयर t इज अ पैरामीटर, देन dy by dx निकालना है, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन से ये तो पता चल गया। और ऑप्शंस को देखो,
y upon x minus x upon y, x upon y minus y upon x. ऑप्शन में एक चीज नोट डाउन करो कि इसमें t वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि t को पहले एलिमिनेट कर लो. इन दोनों इक्वेशन को इस तरह से लिखो कि उसमें से t निकल जाए. तो उस तरह के प्रॉब्लम हमने बहुत सारे सॉल्व किए. फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे, dy / dx निकालेंगे. ओके, तो यहां पर मैं x equal to a in bracket t minus 1 by t को x upon a equal to t minus 1 by t लिख सकता हूं, एंड y equal to a in bracket t plus 1 by t को y upon a equal to t plus 1 by t लिख सकता हूं. यस और नो? अभी एक चीज बताओ मुझे, स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ेगा या स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करना पड़ेगा? जिस तरह से t minus 1 by t and t plus 1 by t दिखाई दे रहा है, यहां पर स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करना ही जरूरी है. तो मैं क्या करता हूं, स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग का मतलब इसका स्क्वेयर करो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर करो y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, फिर इसका स्क्वायर करो t minus 1 upon t the whole bracket स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस साइन दे दो, फिर आगे इस ब्रैकेट में t plus 1 upon t उसका स्क्वायर कर लो. ठीक है, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो a स्क्वायर एक ही बार लिखेंगे, ब्रैकेट न्यूमरेटर में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आएगा. अभी मुझे इसका एक्सपेंशन बताओ अच्छे से. अभी इसका एक्सपेंशन करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस टू इंटू टी इंटू वन बाई टी, यानी कि टी टी तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ माइनस टू रहेगा, प्लस वन अपॉन टी का स्क्वायर कितना होगा, वन अपॉन टी स्क्वायर. ये एक्सपेंशन समझ में आया आपको, मिडल टर्म माइनस टू क्यों आया? ओके, माइनस साइन ब्रैकेट कंप्लीट माइनस साइन और ब्रैकेट में बोलो इसका एक्सपेंशन क्या आ सकता है, टी स्क्वायर प्लस इधर आएगा टू प्लस वन अपॉन टी द होल ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, अब अगर इसको सिंप्लीफाई कर देते तो टी स्क्वायर ये माइनस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस वन बाई टी स्क्वायर है, ये माइनस वन बाई टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये माइनस टू है, ये माइनस है अंदर जाएगा तो माइनस टू, ये होगा माइनस फोर. ओके, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर आएगा. ए स्क्वायर को ट्रांसफर कर देते उस तरह तो अभी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर ये बन जाएगा. अब इस इक्वेशन में t वेरिएबल नहीं है, यहां पर हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे और dy / dx की वैल्यू निकालेंगे. तो यहां पर मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x माइनस y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, dy / dx इज इक्वल टू माइनस 4a स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 0. तो अभी 2x इक्वल टू 2y dy / dx ऐसे लिख दिया मैंने, दोनों तरफ 2 दिखाई दे रहा तो 2 2 कैंसिल हो गया. अभी x as it is रहेगा, divide by y को बुला लेता हूँ यहाँ पर, is equal to बनेगा dy by dx, और मुझे dy by dx की वैल्यू ही निकालनी थी, तो dy by dx की वैल्यू आ गई है मेरी x upon y, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर c बनेगा मेरा फाइनल आंसर. ओके, तो आगे चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 28 की तरफ. ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया, इज दैट क्लियर टू यू? अभी ये जो इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है, ये a इंटू द स्क्वायर रूट प्लस लॉग ऑफ ये वाला सब कुछ फंक्शन दिया है प्लस c, देन a की वैल्यू निकालनी है. तो अभी तो मैं फिलहाल स्टार्ट कर देता हूं इस प्रॉब्लम को, देखते हैं आगे क्या हो सकता है. यहाँ पर dx होना जरूरी था. ओके, a इज इक्वल टू, अभी ये इंटीग्रेशन आपके सामने आए तो कैसे इंटीग्रेट करना चाहिए. तो ये प्रॉब्लम सिंप्लीफाई स्टार्ट करने का बहुत आसान तरीका क्या होता है, x माइनस फाइव अपॉन x माइनस सेवन को x माइनस फाइव अपॉन x माइनस फाइव से ही मल्टीप्लाई कर दो. ओके, तो इससे क्या होता है बच्चों, ऊपर आएगा रूट ऑफ x माइनस फाइव उसका स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो. तो मल्टीप्लीकेशन x इंटू x एक्स स्क्वायर होगा, x इंटू माइनस माइनस फाइव एक्स होगा, माइनस सेवन इंटू x माइनस सेवन एक्स होगा, माइनस माइनस प्लस 35 होगा with respect to dx. तो अभी square root निकाल देंगे numerator में, तो x minus 5 numerator में रहेगा, तो denominator में क्या रहेगा बच्चों, square root of, ये तो x square दिखाई दे रहा है, ये minus 12x बन जाएगा, ये plus 35 with respect to dx. अब ये जो integration बना है, ये integrable हो सकता है, ऐसा कुछ तो बना है. तो इस तरह का problem हमने बहुत सारे problem solve किए, लेकिन कितने स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं आपको भी पता है.
तो अभी कम समय में इसको करना है और पूरा का पूरा सॉल्व करते बैठेंगे तो ज्यादा समय जाएगा, तो थोड़ा सा दिमाग चलाओ और सोचो फिर कैसे कर सकते हैं। आई इक्वल टू, एक चीज तो पता है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 12x+35 लिखा है मैंने। अभी ऊपर इस तरह से लिखो कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, बोलो 2x, और माइनस 12x का डेरिवेटिव कितना आता है, -12। तो ऊपर में यहां पर क्या कर सकता हूँ, 2 डिवाइड कर देता हूँ। 2 डिवाइड किया तो 2 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यानी कि यहाँ पर 2x-10 बन जाएगा। उसके साथ मैं -2 and +2 कर देता हूँ, -2 भी किया +2 भी किया, तो इससे क्या होगा, हाफ तो बाहर है। ओके, और 2x-10 -2 इज -12 +2। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ x²-12x+35 विथ रिस्पेक्ट टू dx, ये प्लस हाफ आगे चला जाएगा, इंटीग्रेशन 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कितना रहेगा, ये x²-12x+35 विथ रिस्पेक्ट टू dx। अभी एक चीज नोट डाउन कर लो, हाफ तो एज इट इज रहेगा। ये जो प्रॉब्लम बना है ना अभी, इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद है क्या, कौन सा वाला, अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में एक फंक्शन है f ऑफ x और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है f डैश ऑफ x, तो इसका आंसर आता है 2√f(x+c)। ये आंसर आपको पता होगा। तो अभी बोलो, ये स्क्वायर रूट में जो फंक्शन है उसका ही डेरिवेटिव मैंने ऊपर लिखा है, तो अभी इसका आंसर क्या आएगा, 2√x²-12x+35 प्लस ये वाला इंटीग्रल I1 बोल देता हूं मैं इसको, 2 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा यहाँ पर 1। तो अभी क्या करना था मुझे, ये जो प्रॉब्लम था इज इक्वल टू ए इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ जो भी कुछ आएगा वो, लेकिन मुझे सिर्फ ए की वैल्यू निकालनी थी। स्क्वेयर रूट के आगे कौन सा नंबर है, ये देखो, ये स्क्वेयर रूट के आगे यहाँ पर 1 है, तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों, ए इक्वल टू 1। आगे का इंटीग्रल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सॉल्व करने से क्या आएगा, यही आंसर आएगा और हमारा टाइम बर्बाद होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो कैलकुलेशन वहां तक ही करो जहां तक की जरूरत है। तो ए इक्वल टू 1 ये मेरा फाइनल आंसर है, सो डी इज द करेक्ट आंसर, ये यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ। ओके, तो प्रॉब्लम नंबर 29 की तरफ हम चलते हैं बच्चों। ये जो प्रॉब्लम दिया है, इस प्रॉब्लम को अच्छे से पहले पढ़ लो। द पॉइंट ऑन द कर्व निकालना है, कर्व के ऊपर का एक पॉइंट है, सपोज ये कर्व इस तरह का एक कर्व दिया है। ओके, y इक्वल टू कितना है, √x-1, वेयर टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। अगर एक पॉइंट है जिसके लिए मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली, ये टेंजेंट परपेंडिकुलर है टू दिस लाइन, 2x+y-5=0। अभी टेंजेंट परपेंडिकुलर है, इसकी जो टेंजेंट है कर्व में ड्रॉ की हुई वो परपेंडिकुलर है, तो वो परपेंडिकुलर टेंजेंट अभी किधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, या यहाँ पर भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। ओके, अभी क्या कर सकते हैं, अगर मुझे पॉइंट निकालना है तो एक चीज करनी पड़ेगी, y इक्वल टू √x-1 है, उसमें से dy/dx डिफरेंशिएट करता हूँ, तो 1/2√x-1 आएगा, मल्टीप्लाई करके x-1 का डेरिवेटिव 1 होगा। dy/dx का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है। अगर ये कर्व है तो m1 है, m1 इक्वल टू 1/2√x-1 हो गया। एंड उन्होंने जो लाइन दी है 2x+y-5=0, इसका अगर स्लोप निकालेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं, स्लोप क्या आएगा, a माइनस a/b यानी कि -2 स्लोप आएगा। अभी इन दोनों में क्या रिलेशन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ द लाइन, इनमें क्या रिलेशन है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या यूज कर सकते हैं हम, m1 × m2 = -1, तो यहाँ पर m1 × m2 = -1 ऐसे मैंने लिख लिया। तो यहाँ से क्या हो सकता है, 1/2√x-1 × m2 की जगह -2 = -1, 2 2 तो कैंसिल हो गए, ठीक है, ऊपर रहेगा -1, डिनोट में रहेगा √x-1 = -1। अभी क्या कर सकते हैं हम,
माइनस वन इक्वल टू माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस वन, माइनस साइन दोनों तरफ का कैंसिल। अभी ये स्क्वेयर रूट निकाल लेना है तो क्या कर सकते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, एक्स माइनस वन स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स माइनस वन का स्क्वेयर, एक्स माइनस वन वन का स्क्वेयर वन, तो एक्स इक्वल टू वन, माइनस वन उधर चला जाएगा प्लस वन, तो एक्स की वैल्यू होगी टू। एक बार एक्स की वैल्यू टू आ जाएगी, वही वैल्यू मैं कर्क के इक्वेशन में डाल दूंगा, तो वाई इक्वल टू क्या आ सकता है बोलो, रूट ऑफ टू माइनस वन, यानी कि रूट ऑफ क्या आएगा वन, रूट ऑफ वन होगा वन, तो पॉइंट आएगा टू वन, एक्स की वैल्यू टू, वाई की वैल्यू वन, तो टू वन इज द फाइनल आंसर, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो यहाँ पर सी करेक्ट ऑप्शन है, ऐसा मैं लिख सकता हूं। अभी 30 नंबर का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ट्रिकी, वैसे दिखने में बहुत ही सिंपल नजर आता है और हमें आंसर आने के बाद हमें श्योरली भी लगेगा कि यही हमारा आंसर है, यही करेक्ट आंसर है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखो ये प्रॉब्लम में क्या दिया, एट अ रैंडम वेरिएबल x फॉलोज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n, p, इफ वैल्यूज ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ x आर 18 एंड क्या है 12 रेस्पेक्टिवली, देन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर, हमें फाइंड आउट करनी है। तो अभी एक चीज ध्यान में रख लो, मीन कितना है, मीन का फॉर्मूला np और np की वैल्यू है 18, उसके बाद उन्होंने बोला है वेरिएंस, वेरिएंस की वैल्यू क्या होती है np q फॉर्मूला है और उसकी वैल्यू उन्होंने दी है 12। अभी क्या कर सकते हैं, np q को अगर np से डिवाइड कर दूंगा मैं, तो यहां पर 12 को 18 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इससे क्या हो सकता है, np np तो कैंसिल हो जाएगा, q इक्वल टू 6 2 12 6 3 सो दिस इज 2/3, तो वैल्यू आ जाएगी q। एक बार q की वैल्यू आ गई तो अभी p की वैल्यू सिंपली निकाल सकते हैं हम, p इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस q, यानी कि 1 माइनस 2/3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ओके ये होगा p की वैल्यू। अभी फ्रॉम 1 एक चीज कर सकते हैं, n की जगह n ही रहेगा, p की जगह मैं 1/3 डाल देता हूँ, is equal to 18, तो n equal to 18 multiplied by 3, so n equal to 54, n equal to 54, ये total number of trials दिए इन्होंने 54, तो हमें क्या find करना है, total number of possible values of x find out करना है, ये n की value है, हमें possible number of values of x find out करना है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू 54 आ गई, तो हम बोल सकते हैं कि a is equal, a option correct है, but a correct नहीं है, जब n की वैल्यू 54 होती है, तो x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से 1, 2, 3 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगी, 54 तक। अगर ये हम काउंट करेंगे 0 से 54 तक, तो x की वैल्यू कितनी बनेगी बच्चों, 55 बनेगी, ये ध्यान में लो। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर, b इज द करेक्ट आंसर। ओके सो इन दिस वे प्रॉब्लम नंबर 25 से 30 तक के सब प्रॉब्लम्स क्लियर हुए, आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर आपको ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ आपको अच्छे लग रहे हैं, तो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनमें ये शेयर करो, और आपके कमेंट्स लिखो कि आपको ये कैसे लग रहे हैं, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि जो मैं ले रहा हूँ वो सही तरीके से जा रहा है कि इसमें कुछ और आपको चाहिए।